नमस्कार, आप देख रहे हैं क्लासी मीडिया न्यूज और मैं हूं आपके साथ मुशर्रफ राणा। चलिए शुरुआत करते हैं बिग बुलेटिन की खबरों के साथ। मेरठ में लेन देन को लेकर दो पक्षों में जमकर मारपीट हुई। इसमें दोनों पक्षों की ओर से पथराव और फायरिंग चली। सांप्रदायिक बवाल को सूचना देने पर सीओ और तीनों थानों की फोर्स मौके पर पहुंची और कई लोगों को हिरासत में ले लिया। वहीं पुलिस ने कड़ी मशक्कत के साथ इस मामले को शांत कराया। क्या पूरा मामला है? एक पक्ष अनुज है और दूसरा पक्ष आरिफ है। इनका स्कूटी को लेके कुछ पैसे को लेन देन का विवाद है। आरिफ ने, इरशाद ने अपनी स्कूटी उनको दे रखी है और उसके पैसे ले रखे हैं, नाम नहीं कर रहे। इस बात के लेके आपस में दो पक्षों में विवाद हुआ, झड़प हुई हल्की सी और मौके फोर्स मौजूद था, इसलिए कोई बड़ी घटना नहीं हुई। दोनों पक्षों के खिलाफ अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है, सबके नाम पर ट्रेस किए जा रहे हैं, उसके बाद आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। सर, क्या पथराव और फायरिंग भी हुई है? नहीं नहीं, कोई फायरिंग नहीं हुई, कोई फायरिंग नहीं हुई। पथराव की भी बहुत ज़्यादा पुष्टि नहीं है। एक दो पत्थर किसी ने फेंके हों, पत्थर भी नहीं दिखे सड़क पर, कहीं भी कोई पत्थर नहीं है। लेकिन कुछ घटना हुई है, हल्की छिटपुट घटना हुई है और उस पर मुकदमा पंजीकृत कर आवश्यक कार्रवाई कर। सर, कॉल लोग थे कितने लोग थे जो इन्होंने घटना को? हाँ, एक तरफ से दो तीन चार लोग हैं, दूसरी तरफ से पांच सात लोग हैं, कुछ अज्ञात लोग भी हैं जिनको हम ट्रेस कर रहे हैं।